हे हेलो एवरीवन, दोस्तों कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। सीबीएसई क्लास 10 क्लास 12 के प्राइवेट कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट और पत्राचार और छात्रों के लगातार मैसेज आ रहे हैं। छात्र बहुत ही ज़्यादा परेशान है, कंफ्यूज है और बहुत ही ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि पिछले दोस्तों एक हफ्ते से अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास हज़ारों की संख्या में कॉल्स, मैसेज, व्हाट्सएप चैट, हज़ारों की संख्या में लोग जो है बच्चे मैसेज कर रहे हैं। बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान है और अधिकतर बच्चों को जो देखे जाए सवाल जो एक ही है, और सवाल वह है कि सर जो इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम हमने दिया था उस इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में हमारे नंबर जो हैं बढ़ गए थे, बट अभी तक हमारे जो नंबर जो बढ़े थे उसे रिजल्ट में इंक्लूड नहीं किया गया, यानी जो मार्कशीट है वो बदली नहीं, हमारी पुरानी वाली ही मार्कशीट शो कर रही है। ये एक सवाल है बच्चों का। और दूसरा सवाल बच्चों ये है कि सर हम पहले जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दिए थे कंपार्टमेंट के उसमें हमारी आरटी आ गई, बट अभी जो हमारी जो डिजी लॉकर पर जो मार्कशीट आई है उसमें हम पहले पास थे उसमें अभी भी हम पास दिखा रहे हैं, तो क्या इस मार्कशीट का यूज़ हम कर सकते हैं फर्दर एडमिशन के लिए किसी कॉलेज में, स्कूल में एडमिशन के लिए? क्या जो डिजी लॉकर पर मार्कशीट है वो उसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम पहले तो पास थे लेकिन जब कंपार्टमेंट एग्ज़ाम हमने दिया और उसमें भी हमने अच्छे क्वेश्चन किए थे, अच्छे नंबर से हमने वहाँ पर अटैम्प्ट किया था, बट इन जो आखिरी समय देखेंगे तो जब रिजल्ट आता है तो उसमें हमें आरटी आई हुई है। और तीसरा सवाल इसमें से और बहुत से बच्चों के हैं जो कि मैं डिमांड पे वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों आप लोग बहुत सारे सवाल थे, मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में दोस्तों आप सभी के सवालों का जवाब दे सकूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बच्चों के सवाल ये कि सर तीसरा सवाल था कि सर हम इम्प्रूवमेंट के लिए 3 से 4 पेपर के लिए जो है सब्जेक्ट हमने इम्प्रूवमेंट भरा था, बट हमने किसी कारण की वजह से परेशानी की वजह से हमने 2 पेपर तो दिए, एक में अब्सेंट हो गए, एक पेपर तो दिए बट 2 में हमारी अब्सेंट लग गई, और जब रिजल्ट आता तो हमारे उन पेपर में एब्सेंट लिखे आ रहा है, बट जो डिजी लॉकर में मार्कशीट है उस पर जो हमें हमारे पहले वाले नंबर मिल गए, तो क्या हम क्या समझे कि हम अपने इस मार्कशीट का उपयोग कर सकते हैं एडमिशन के लिए? ये भी बच्चों का सवाल है। और चौथे जो टाइप के बच्चे हैं उनका सवाल ये है सर कि हमारा पेंटिंग का नंबर नहीं जुड़ा अभी तक, म्यूजिक का नंबर नहीं जुड़ा अभी तक, कंप्यूटर साइंस का नंबर नहीं जुड़ा अभी तक, क्योंकि बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि जो सीबीएसई ने जैसे आप सभी को बताया जो एग्ज़ाम हुए कंपार्टमेंट के इम्प्रूवमेंट के उसमें सीबीएसई ने केवल मेन सब्जेक्ट का ही पेपर लिया था, जबकि पेंटिंग हो गया, आपको म्यूजिक हो गया, इन सभी के पेपर नहीं लिए गए थे। तो ऐसे में उन सभी बच्चों का कहना है कि सर अभी तक हमारे इसमें सब्जेक्ट में नंबर नहीं जुड़े, तो हमारे नंबर कब तक जुड़ जाएंगे? तो मैं एक एक करके हर एक सवाल का दोस्तों आप सभी को जवाब देने वाला हूं। और एक और सवाल है बच्चों, वो सवाल ये है कि सर अगर हम कंपार्टमेंट देना चाहते हैं, आरटी का दोबारा से इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं, तो हम एग्ज़ाम कब दे सकते हैं, हमारा एग्ज़ाम कब होगा, इसके लिए हमें क्या कैसे फॉर्म भरना पड़ेगा, किस तरीके से अप्लाई करना होगा? ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों एंड तक बने रहिएगा, आप सभी के सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा और इसकी बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि जब कभी कभी होता है कि आप स्किप कर देते तो आपका सवाल रह जाता है। तो ऐसे में दोस्तों आपको वीडियो पूरी देखनी है और ताकि आप सभी अपने सवालों से संतुष्ट, जवाबों से संतुष्ट हो जो मैं आपको जवाब देने वाला हूँ। तो पहला सवाल था छात्रों को वो ये है कि सर हमने एग्ज़ाम तो दिया और इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दिया उसमें हमारे नंबर बढ़ गए, पहले हमारे एक छात्र का जो मैसेज है उसमें कह रहा था मेरे पहले 39 नंबर थे, अब मेरे 90 नंबर हो चुके हैं, बट फिर भी मेरे उस सब्जेक्ट के जो नंबर हैं अभी फाइनल मार्कशीट में जुड़े नहीं। तो जो फाइनल मार्कशीट है जिसमें जिन बच्चों के इम्प्रूवमेंट में कंपार्टमेंट में नंबर बढ़ गए तो उनके कब नंबर ऐड होंगे, क्योंकि हमने इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दिया तो हमारे नंबर बढ़ गए। तो मैं उन सभी छात्र छात्राओं को बताना चाहता हूँ जिन भी छात्राओं के नंबर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में नंबर बढ़े सभी पेपर में, ठीक है, तो उन सभी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी के अगर नंबर बढ़े तो आप सभी के जो नंबर है वो ओरिजिनल मार्कशीट में ऐड होकर आ जाएंगे। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, दशहरे की छुट्टी आ चुकी है, ठीक है, नवरात्रि चल रहे हैं, ऐसे में हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, बट दोस्तों 12, 13, 15 तारीख तक आप सभी की जो मार्कशीट आ सकती है, अगर जो अगर ऑनलाइन की बात करें, डिजी लॉकर की बात करें, ठीक है, ऐसे में तो ये आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप सभी के नंबर बढ़ कर आएंगे। हाँ, अगर आप की अगर हम बात करें कि जो आपके 2 सब्जेक्ट में नंबर बढ़ गए बट एक में आरटी लग गई या एब्सेंट आए, तो ऐसे में आपके नंबर इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। जी हाँ, अगर आपके नंबर बढ़े हुए हैं और आरटी आई हुई तो आपको पहले वाला ही रिजल्ट मानने होगा, ये आपको देख कर चलना है। हो सकता है आपके जिन सब्जेक्ट में नंबर बढ़े हैं उन सब्जेक्ट के नंबर आपके फाइनल मार्कशीट में ऐड होकर आ जाएंगे,
तो ये दोस्तों आप प्लीज़ और बिल्कुल भी चिंतित मत कीजिए, जल्द ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि आशा पर ही पूरा आपको रखना है, क्योंकि हम और कुछ नहीं कर सकते अभी, बस एक आशा ही है हमारे साथ है जो कि हम कर सकते हैं, और अच्छी आशा कीजिए, सब कुछ ठीक ठाक होगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है, मैं हमेशा आप सभी के साथ खड़ा रहूंगा। चलिए, ये आप सभी का एक डाउट होगा। दूसरा डाउट जो बच्चों का था, वो डाउट ये है बच्चों के कि सर जो हमने एग्ज़ाम दिया है उसमें हमारी जो आरटी आ गई थी, क्योंकि जो जब सीबीएसई रिजल्ट जारी किया जुलाई के, उसमें हम पास थे, बट कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट में जो है ना हमारी आरटी लग गई है और हमारा जो किसी सब्जेक्ट में एबसेंट लग गया है। वैसे में अब हमारे जो पहले वाली मार्कशीट वो आ गई है डिजी लॉकर पर, तो क्या हम अपने पहले वाली मार्कशीट का यूज़ कर सकते हैं एडमिशन के लिए? तो हाँ दोस्तों, आप अपने पहले वाली मार्कशीट का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इम्प्रूवमेंट आपको सभी को पता है कि इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या होता है, कि अगर आपके नंबर बढ़ते हैं तो नंबर ऐड होते हैं, अगर नंबर कम होते हैं तो नंबर जो है पहले वाले ही मान्य होते, तो आप अपने मार्कशीट का यूज़ कर सकते हैं जो डिजी लॉकर पर अवेलेबल है। बट बहुत से छात्रों का सवाल ये भी कि सर डिजी लॉकर पर और भी हम स्कूल से पता कर रहे हैं, तो स्कूल वाले कह रहे नहीं, आपकी जो मार्कशीट है वो नई वाली आएगी। अब नई वाली कब आएगी तो आप सभी को बता दोस्तों, नई वाली जो मार्कशीट है, अगर आपके नंबर बढ़ेंगे तो नई मार्कशीट आएगी, नहीं तो आपकी यही रहेगी मार्कशीट, ठीक है। तो चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। अभी तक जितना भी आप सभी का ख़राब हुआ है हो गया है, बट अब कोशिश दोस्तों सभी करेंगे कि अब आपका जो है सही तरीके सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए और आप अपने भविष्य को लेकर आगे बढ़ें और कैरियर को आगे बढ़ाएं, ठीक है। तीसरा सवाल बच्चों का था सर, हमारे जो है हमने चार इम्प्रूवमेंट के लिए, चार सब्जेक्ट के इम्प्रूवमेंट के लिए फॉर्म भरा था, बट हम दो एग्ज़ाम दे पाए या एक दे पाए या तीन दे पाए या एक में एबसेंट हो गया, दो में एबसेंट हो गया, ऐसे में हमारा जो एबसेंट हुआ है तो क्या वो हमारे ओरिजिनल मार्कशीट में एबसेंट ही बन लिखा आएगा? नहीं दोस्तों, आपका एबसेंट लिखा हुआ नहीं आएगा, जो आपके पहले नंबर थे वो एबसेंट, जो जिस सब्जेक्ट में जिस पेपर में आप एबसेंट थे उसमें आपका पहला वाला नंबर ही जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो आप चिंतित ना होइए, आपका पहले वाला एबसेंट में नंबर जोड़ दिया जाएगा, यानी पहले जुलाई वाले जुलाई वाले जो रिजल्ट में आपको नंबर थे वो नंबर आपके जोड़ दिए जाएंगे, ठीक है। चौथा सवाल बच्चों का था सर कि हम जो है हमारा जो पेंटिंग का है और पेंटिंग के साथ साथ अगर बात करें म्यूजिक का जो सब्जेक्ट, उसमें हमारे नंबर नहीं जुड़े हैं, ठीक है। अब नंबर म्यूजिक का जो आपको पता है सभी एक प्रकार के हैं दोस्तों, ये मेन सब्जेक्ट में नहीं थे, तो ऐसे में आप सभी का जो रिजल्ट है इन इन सभी सब्जेक्ट का वो आपके ओरिजिनल मार्कशीट में जब हार्ड कॉपी आएगी उसमें जुड़ा हुआ आएगा, ऐसा सीबीएसई ने पहले भी कहा था कि क्योंकि इसका तो पेपर नहीं हुआ है और विदाउट पेपर आपके नंबर दिए गए थे, तो जिन बच्चों के कम नंबर आए थे तो उनको नंबर बढ़ाने के सीबीएसई ने कहा था और आपके नंबर बढ़कर आएंगे, क्लियर, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, बस अपने आगे भविष्य के लिए अच्छे से सोचिए और उस पर काम करना शुरू कर दें, क्योंकि आप लगा जितना ज़्यादा सोचेंगे दोस्तों उतना ज़्यादा आप गुमराह होंगे, उतना ज़्यादा आपको डाउट्स मिलेंगे, ठीक है। अब सब कुछ दोस्तों आप छोड़ दीजिए और भरोसा रखिए सब कुछ ठीक होगा और चीज़ें खुद ब खुद आगे आएंगी और आप सही चीज़ों को समझ पाएंगे दोस्तों। तो प्लीज़ किसी भी टेंशन में ना रहे, और ना ही टेंशन में अगर कोई ऐसा कदम उठाए जो आपके लिए और आपके भविष्य के लिए ख़राब हो और आपके घर वालों के लिए भी, क्योंकि बहुत से बच्चे के जो मैसेज आ रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं। अब बच्चे जो हैं, सच बता रहा हूँ कि जो बच्चे हैं ना बहुत ही ज़्यादा परेशान है, और मैं उनकी व्यथा को समझ सकता हूँ, और आप चिंतित ना होइए, आप सभी के लिए दोस्तों जिसमें उससे जितना बन सकता है वो पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं सर क्या हम अगर हम इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं, आरटी देना चाहते हैं, कंपार्टमेंट देना चाहते हैं, कंपार्टमेंट बच्चे जो प्राइवेट बच्चे हैं, तो हम कब दे सकते हैं? तो दोस्तों आप जो है मार्च अप्रैल में जो एग्ज़ाम होगा सीबीएसई का टर्म टू का, उसके बाद जो एग्ज़ाम होंगे जिन बच्चों का कंपार्टमेंट आएगी उन बच्चों के साथ आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर देखा तो अधिकतर बच्चों के सवाल थे दोस्तों जो मैंने इस वीडियो में पूरी तरह से शामिल कर दिया। और बहुत से बच्चे ये भी सवाल पूछ रहे हैं सर कर हम इग्नू में ऑन डिमांड सॉरी एनओएस से ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते? तो हाँ, आप ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हैं जिस भी सब्जेक्ट चाहते हैं, और इसको लेकर दोस्तों मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जिसके बारे में आपको हर तरह की डिटेल प्रदान की जाएगी। तो इसके लिए दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दिए, ताकि आप सभी तक हर हमारे हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन और अपडेट आसानी से पहुंच सके बिना किसी रोक टोक और बाधा के दोस्तों। तो प्लीज़ स्टे ट्यून और हमेशा खुश रहिए और फोकस रहिए अपने कैरियर को लेकर, ठीक है, क्योंकि अगर फोकस रहेंगे तो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं आप। तो आई थिंक अभी तक जितने आप सभी के डाउट थे और जितना ज़्यादा अगर मैंने किसी बच्चे का सवाल नहीं लिया हो, तो अगर
बच्चे के सवाल नहीं तो मैं दोबारा देखूंगा तो उसके सवाल अगर होंगे तो उसको पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। तो आप टेंशन मत लीजिए कि भैया ने हमारे सर ने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया या हमारे मैसेज नहीं पढ़े। तो दोस्तों देखो मैं सुबह 7 से लेकर 9 तक बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का टाइम निकालता हूँ इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी। तो आप बिल्कुल भी चिंतित मत रहिए, चिंता मत करिए कि सर ने हमारे मैसेज नहीं पढ़े या हमारे फ़ोन का रिप्लाई नहीं किया। जितना हो सकता है उतना दोस्तों मैं अपना परसेंटेज 100% देने की कोशिश करता हूँ आपको मैसेज रिप्लाई करने में, फ़ोन कॉल अटेंड करने में। व्हाट्सअप का अगर मैसेज रिप्लाई नहीं कर पाता तो मैं उसको बाद में करता हूँ। तो प्लीज़ आप टेंशन मत लीजिए कि आपके हर सवाल हर एक मैसेज का जवाब दिया जाएगा, सही तरीके से दिया जाएगा और 100% सही दिया जाएगा। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, द पॉलिटिकल मास्टर को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी और SSC पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल ज्वाइन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।